आज हम बनाएंगे दोस्तों चीनी में काजू डाल करके बिल्कुल नई रेसिपी, जो कि आप दीपावली पे या करवा चौथ पे बना करके इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, सभी को पसंद आने वाली है ये वाली रेसिपी। झटपट से आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो ये देखिए, चीनी और काजू की मिठाई बनाने के लिए हमने लिए ये काजू। तो जितनी भी आपको बनाने उस हिसाब से आप यहाँ काजू ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमें लेना है एक पैन, आप कढ़ाई पैन जो भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। गैस को यहाँ ऑन कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने गैस को ऑन कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे ये काजू। तो काजू को आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ सेक लेना है, मतलब इसको थोड़ा क्रिस्पी होने तक, मतलब क्रंची होने तक इसको थोड़ा सा आपको भूनना है हल्की आंच पर। आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्की आंच पर आपको थोड़ी देर काजू को भून लेना है। तो ये चीनी और काजू ही इतनी टेस्टी मिठाई बनेगी फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार बना करके खिला दी ना तो आपके घर वाले हमेशा इसी मिठाई को आपसे बार बार बनवाएंगे। तो आपको काजू का कलर इसमें चेंज नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको इसको लगातार इस तरीके से देखिए चलाते रहना, इसका कलर आपको चेंज नहीं करना है। काजू को थोड़ा सा क्रंची होने तक आपको बस सेकना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये देखिए, धीरे धीरे काजू का कलर चेंज होने लग गया है। तो बस आपको अब इससे ज़्यादा इसको नहीं सेकना। तब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको अब हम साइड में रख देंगे काजू को, और वापस से हमने उसी पैन को ले लिया है। देखिए वापस से हमने वही पैन ले लिया। अब इसमें डालेंगे हम ये चीनी। और चीनी में हमें डालनी है ये काजू। और इसमें आपको डालना बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, थोड़ा पानी डाल करके बस आपको चीनी और काजू को मिक्स कर लेना। जब तक आपकी चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक आपको बस इसको इसी तरीके से चला लेना है। पानी आपको बिल्कुल या थोड़ा सा डालना है, इससे क्या है ना चीनी थोड़ी जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और चीनी का कलर चेंज भी नहीं होगा। तो धीमी आंच पर ही आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। तो चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं। तो ये देखिए चीनी, देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल चुकी है ये देखिए। तो देखिए काजू को बस आपको इतना ही पकाना है। यहाँ अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए चीनी की और काजू, मतलब काजू के ऊपर चीनी की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी, इसको हम पहले ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये काजू, देखिए काजू के ऊपर देखिए चीनी की कोटिंग हो चुकी है। तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, सफ़र में भी इसको ले जा सकते हैं। अगर आप सफ़र के लिए बनाए तो इसमें थोड़ी चीनी की मात्रा कम रखें, तो आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। और इसको आप अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद ही आपको ये आगे की प्रोसेस करनी है। जैसे कि आप यहाँ एक लेना हमें मिक्सी का जार, और इसमें अब हम डाल देंगे ये काजू। तो ये हम काजू को डाल करके इसको हम पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ये काजू का पाउडर बना लिया। देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर इसका बन करके ये तैयार हो चुका है। तो अभी लाइट नहीं आ रही तो इसलिए आपको थोड़ा वीडियो साफ नहीं आ रहा होगा। तो अब चलिए आगे की तैयारियां कर लेते हैं।
तो यह देखिए यह हमने वही पैन ले लिया दोबारा से। अब इसमें हमें डालना एक गिलास दूध। तो चलिए हमने यह इसमें एक गिलास दूध डाल दिया। तो यह देखिए हमने यह एक गिलास दूध लिया। जब तक एक गिलास दूध आधा गिलास दूध हो जाए जब तक आपको दूध को अच्छे से पकाना है। तो चलिए दूध को हम थोड़ी देर बिल्कुल अच्छी तरीके से गाढ़ा कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें डाल देंगे ये जो हमने काजू का पाउडर बना करके रखा था ना, इसको हमें इसमें डाल देना है। काजू के पाउडर को डाल करके इसमें अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है दूध के अंदर इसको। तो देखिए इसको हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से दूध में इसको हमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ देखिए अब इसमें हम डालेंगे ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या है ना, मिठाई मतलब आप जो भी मिठाई बनाएंगे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, तो इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और डाल दिया। आप चाहे तो इसको बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं, उसके भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी आपकी मिठाई। लेकिन अगर मिल्क पाउडर डालने से क्या है ना, इसमें और भी जैसे खोया जैसा इस मिठाई में आपको टेस्ट आएगा खाने में। और त्यौहार आ रहे हैं तो उन पर तो ये सब मिठाई बनाना बनता ही है। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना मिल्क पाउडर को भी। अब इसको हमें जब तक पकाना जब तक ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। अब यह क्या करना, हमको थोड़ा सा इसमें डालना है घी, क्योंकि ये चिपकेगी नहीं आप पैन के, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें घी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। तो यह देखिए हमने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम पका लेते हैं थोड़ी देर, जब तक ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए ये देखिए ये डो के फॉर्म में हमारी जो ये डो है ना मिठाई का, ये इस तरीके से आ जाए। तब तक आपको इसको पकाना, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये नीचे देखिए जलने लग जाएगा। तो यहाँ हम गैस को बंद कर देते हैं। तो देखिए मिठाई जमाने के लिए हमने एक प्लेट लिया, उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया, इसको हमने घी से ग्रीस कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम इस तरीके से ही पिस्ता डाल देते हैं मिठाई के लिए। आप चाहे तो ऊपर की साइड भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ी इसको जब सेट करेंगे तब इस मतलब नीचे की साइड में डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो हमने मिठाई बनाई थी ना इसका डो को हम इस बर्तन में निकाल लेते हैं। कौन सी मिठाई? तो यह अब मिठाई को क्या करना, आपको इसको थोड़ा सा, तो देखिए यह हमने मिठाई को थोड़ा सेट कर लिया है। इसके ऊपर की साइड भी थोड़ी हम पिस्ता डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो यह हमने मिठाई को सेट कर दिए, अब देखते हैं कितनी देर में ये मतलब अच्छे से जम करके तैयार होती है। जब तक हमारी मिठाई अच्छे से जमेगी नहीं तब तक हम इसको बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। चलिए अब इसको हम जमने के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इसको कट करके।